हेलो गाइस गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ रेजिस्टेंस और एलईडीज के बारे में। गाइस, जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं या फिर हम जो है इन एलईडीज को कहीं पे भी यूज करते हैं, तो गाइस अक्सर हमें जो है रेजिस्टेंस उसमें लगाना पड़ता है। कोई सा भी सर्किट बनाइए आप, कैसे भी आप इस एलईडी को जलाइए, तो आपको जो है इसमें रेजिस्टेंस जो है लगाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मैंने ज्यादातर ऐसा सर्किटों में देखा है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम जिस वोल्टेज पे इस एलईडी को ग्लो कराना चाहते हैं उस वोल्टेज पे हम कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस या फिर कितने ओम का रेजिस्टेंस हम वहाँ पे लगाएं, जिससे हमारी जो एलईडी है वो इजीली ग्लो कर जाए और हमें जो है किसी रेजिस्टेंस का सामना ऐसा ना करना पड़े। बार बार हम चेक कर रहे हैं ना तो हमारी एलईडी है वो ग्लो कर रही है या फिर वो जो है वहाँ से एकदम से ही बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो गाइज, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, अगर हम कितने यहाँ पे वाटेज का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएं और हम जो है कितने किलो ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर ओम का हम लगाएं, जिससे हमारी जो एलईडी है वो डैमेज भी ना हो और इजीली वहाँ से जो है प्रॉपर ग्लो करे, जिससे हमारा जो सर्किट है वो पूरा अच्छे से चलेगा और आप जो है किसी भी सर्किट को इजीली बना सकते हैं, अपनी एलईडी को इजीली ग्लो करा सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। फाइनली मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ वोल्टेज लिखी हुई है जो कि मेन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सर्किटों में। हम जो है इसमें ये बात करने वाले हैं कि अगर हम इस 5 mm की एलईडी को ग्लो कराना चाहते हैं 220 वोल्ट पे, तो हम यहाँ पे कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। गाइज, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ देखा है ऐसा। तो गाइज, इस वीडियो में हम जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप जो है अगर इन किलो यानी इन वोल्टेज के साथ में इन रेजिस्टेंस को आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है कभी भी ऐसा फिर सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, कहां पे कितना लगाना है, कितने वाटेज का लगाना है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। गाइस, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये नहीं पता कि कितने वाट, ये कितने वाट का है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, आपको इनकी वैल्यू नहीं आती है, तो आपको जो है आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जो है उस वीडियो को जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि आप जो है वाटेज को किस तरह से चेक कर सकते हैं। और एक बात और है, आप गाइज इसमें जो है रेजिस्टेंस को कलर कोड से और उसमें जो है चेक करना आना चाहिए आपको, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको उस वीडियो का भी लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं जो है इसको यहाँ पे सिंपल मैंने आपको एलईडी दिखानी थी ओनली, वो मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं सिंपल इनको इधर कर देता हूँ और अब जो है सिंपल हम इसमें देखने वाले हैं कि आखिर अगर हमें 220 वोल्ट पे यहाँ पे एसी जो वोल्टेज होती है हमारी, अगर हमें उस पर हमारी ये जो 5 mm की एलईडी है, गाइज यहाँ पे जो है छोटी भी आती है, वो मेरे पास अभी नहीं है, वो मैं आपको जो है आगे जाके बता दूंगा जब भी मेरे पास आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो है कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाए जिससे आपकी जो एलईडी है वो इजिली ग्लो कर जाए और डैमेज भी ना हो, तो इसी पे बारे में बात करने वाले हैं। सारी वोल्टेज के बारे में देखेंगे, मैंने जो है सबसे ज़्यादा से लेके कम तक गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट तक का गया हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें जो है रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एक मिनट, तो चलिए मैं जो है अब यहाँ पे आपको जो है रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि आपको जो है 200 यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज लिखी हुई है और यहाँ पे मैंने डीसी लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा वैसे तो इनमें डीसी में यूज़ की जाती है, एसी में तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, नामात्र यूज़ की जाती है। चलिए हम जो है फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी हमें जो है कोई सवाल आ जाए ऐसा या फिर हमसे कोई पूछ ले कि 220 वोल्ट पे अगर हम इस एलईडी को लगाएंगे तो कितने वाटेज का हमें रेजिस्टेंस चाहिए और कितने किलो ओम का हमें रेजिस्टेंस चाहिए जिससे हम जो है उस एलईडी को ग्लो करा सके, तो इस बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, तो आपको जो है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको जो है यहाँ पे कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे 175 किलो ओम से लेके आपको यहाँ पे 220 के तक का आप इसमें लगा सकते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस है उसको आप 220 के तक का यहाँ पे आप इजीली लगा सकते हैं। इसके बीच में भी लगा सकते हैं, 165 हो, 180 हो, ठीक है, आप इसको भी लगा सकते हैं या फिर 200 किलो ओम हो वो भी लगा सकते हैं आप इसमें, इजीली आपकी जो एलईडी है वो वहाँ से ग्लो कर जाएगी। और गाइस, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं फिक्स तो नहीं हूँ, मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप जो है अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा उसमें जो है ग्लो करती है एलईडी, तो आप जो है उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस को बदल के आप जो है थोड़ा उससे और कम वैल्यू का लगा के देख सकते हैं, जिससे आपकी जो एलईडी है वो इजीली ग्लो कर जाएगी। मैं वैसे आपको जो है बेसिकली जो है चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो सिंपल यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए 110 वोल्ट है मेरे पास यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ इस एलईडी को ग्लो कराना, तो कितने का लगाना चाहिए हमें, हमें लगाना चाहिएगा इसमें 100 के किलो ओम से और 75 किलो ओम तक का आप जो है इसमें रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसके बीच का भी लगा सकते हैं, 80 हो आपके पास, 90 हो आपके पास, इसके बीच में भी लगा के देख सकते हैं कि आपका जो जो रेजिस्टेंस यानी जो आपकी एलईडी है वो इजीली ग्लो अच्छे से कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ से आ जाते हैं डीसी वोल्टेज में, ठीक है। डीसी वोल्टेज में हम देखने वाले हैं कि कितने से कितने किलो ओम का हम रेजिस्टेंस में लगाएंगे, और अभी मैं आपको वाटेज भी बताऊंगा, सॉरी मैं वाटेज आपको बताना भूल गया हूँ, ठीक है।
अभी मैं आगे जाके जब दोबारा से आऊंगा तो आपको जो है वाटेज भी बता दूंगा कितने वाट का आपको इसमें लगाना चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, अगर आप 80 वोल्टेज दे रहे हैं उसमें तो आपको जो है इसमें लगाना चाहिए 33 के से लेके 27 के, बहुत अच्छे से वर्क कर देगा, ठीक है। ये तो मैंने खुद ही यूज़ करके देखा है, इनके बीच में से आप 30 के का हो आपके पास उसको भी लगा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर देगा। अब आते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं 70 वोल्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हैं 27 के से लेके 33 के अंदर में, ठीक है। इस पे भी दोनों पे ही सेम सा रहता है इसमें, ठीक है। 10 वोल्टेज में इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर इन रेजिस्टेंस को इजी लगाएंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 60 वोल्टेज पे, इसमें जो है अब 20 की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, तो हमें जो है रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम 20 के से लेके हम जो है इसमें 18 के का तक का जो है रेजिस्टेंस हम इसमें इजीली लगा सकते हैं, जिससे हमारी एलईडी इजीली ग्लो कर जाएगी, ठीक है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास 50 वोल्टेज आ रही है डीसी की तो हम जो है उसमें कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे लगा देना है, आपको 15 के भी लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है, और मिनिमम आप 10 के भी इसमें इजीली लगा सकते हैं, प्रॉपरली वर्क कर देगा। अब यहाँ पे आते हैं 12 वोल्ट पे, जो कि आपको जो है ट्रांसफार्मर से इजीली मिल जाते हैं, या फिर 12 वोल्ट की बैटरीज भी होती हैं जो कि आपने देखी होंगी, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई वोल्टेज को ड्रॉप कर देता नहीं भूल जाता हूं तो गाइज आप जो है इसमें इजीली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जो है उसमें आपको जो है रेजिस्टेंस का बता दूंगा कि कितने किलो ओम का आप इसमें रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है। तो 12 वोल्ट पे आ गए हम, 12 वोल्ट में हम जो है इजीली लगा सकते हैं 1K से लेके 820 ओम तक का भी लगा सकते हैं आप इसमें। 1K आपको पता ही होगा गाइज, 1000 ओम बोलते हैं हम उनको, ठीक है, आपको पता ही होगा 1000 ओम, तो आप जो है 820 ओम तक का भी इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इजीली जो है ग्लो कर देगी एलईडी। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी आ गई हमारे पास, अब इसमें आप लगा सकते हैं 680 ओम, ठीक है, और इसमें जो है और नीचे लगा सकते हैं आप इसमें 400 से या फिर 580 इतना लगा सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसमें 480 या फिर 500 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे आप कितना लगाएं उसमें हम ध्यान देंगे, ठीक है। उसमें लगाएंगे हम 100 ओम से लेके, और आप जो है इसमें 70 या फिर 80 के अबाउट में आप इसमें इजीली लगा सकते हैं 70, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम 3 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे आप गाइज लगाएं चाहे ना लगाएं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि गाइज हमारी ये जो एलईडी है अगर आप इनको 3.7 वोल्ट की से जलाएंगे किसी से भी तो आप ये जो है इजीली यहाँ से ग्लो कर जाएगी, ठीक है। इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं होती है, और ज़्यादातर ये जो एलईडी है वो इतने पे डैमेज भी नहीं होती है, तो इनको जो है आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं 3.7 वोल्ट से, इतनी वोल्टेज जो है इसमें नहीं आती है 3.7 वोल्ट में, तो आप जो है इसको इजीली यहाँ से ग्लो करा सकते हैं। या फिर गाइज अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगाना ही चाहते हैं तो आप जो है इसमें 22 ओम की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इजीली, ठीक है, ये भी इजीली ग्लो करा देगा, और आप जो है इसमें मिनिमम और 10 ओम की भी रेजिस्टेंस आप इसमें इजीली लगा सकते हैं, ये भी इजीली यहां से ग्लो करा देगा। गाइस अब बात करते हैं हम यहां पे जो हमारे वाटेजेस होती है उसको आप किस तरह से पता करेंगे कि कितने वाट का, यहां पे मैंने किलो ओम्स तो बता दिया आपको, यानी वैल्यू तो बता दी है, पर मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि वाट कितनी लगेंगी, ठीक है, इसमें भी हम ये बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जला रहे हैं 220 वोल्ट से यानी एसी वोल्टेज है तो आप जो है उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूं 1 से 2 वाट का जो रेजिस्टेंस है आप उसमें यूज कीजिए, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ना तो रेजिस्टेंस ही डैमेज होगा और आपकी जो एलईडी है वो भी यहां पे डैमेज नहीं होगी। वैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि आप जो 220 वोल्ट से जो है किस तरह से एलईडी को ग्लो करा सकते हैं, यही एलईडी दिखाई थी मैंने आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर आई बटन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जो है उसको डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है आप इसमें या तो क्वार्टर वाट का बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है, क्वार्टर वाट का बिल्कुल ना लगाएं, या तो हाफ वाट में लगा लें या फिर 1 वाट में लगा लें, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है, इन दोनों ही वोल्टेज पे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम डीसी वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज में आप जो है इजीली 1 वाट से हाफ वाट का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाफ वाट में भी बड़े अच्छे से वर्क कर देगा ये, और यहां से जिस तरह से आप यहां पे 50 वोल्ट से जैसे ही नीचे आते हैं तो आप जो है उसमें क्वार्टर वाट लगाइए, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। चलिए क्वार्टर वाट भी दिखाता हूं मैं आपको, ये होती है क्वार्टर वाट, ठीक है। आप इसमें अगर 12 वोल्ट में लगाना चाहते हैं तो क्वार्टर वाट लगाइए, 9 वोल्ट में भी क्वार्टर वाट लगा सकते हैं, 5 वोल्ट में भी, और यहाँ से 3.7 वोल्ट में भी, और आप इजीली इसको जो है ग्लो करा सकते हैं, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैंने जो है आपको दोनों ही इसमें चीज़ें बता दी हैं, अगर आप वाटेज के लिए देखना चाहते हैं तो वाटेज भी मैंने आपको इसमें दिखा दी है कि कितने कितने वाट के आप इसमें रेजिस्टेंस लगाएं। फिर भी आप अगर आपको कोई डाउट है इसमें या फिर कोई परेशानी है तो प्लीज़, या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आपकी जो एलईडी है वो अच्छे से ग्लो नहीं कर रही है तो प्लीज़ एक बार नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि भाई ये जो है ऐसे ऐसे वर्क नहीं कर रही है तो मैं क्या कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं, कौन सी एलईडी किस तरह से लगाऊं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बस गाइज आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक तो जरूर कर दिया करें यार वीडियो को, लाइक में कंजूसी मत करा करो गाइज। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।